जब हम किसी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या स्टेडियम में रात के समय जाते हैं तो हमें दिन और रात में कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगता। इन जगहों की चकाचौंध रोशनी को देखकर मन में यही लगता है कि मानो रात में ही सूरज निकल आया हो। दोस्तों, आज के समय में बल्ब का प्रयोग स्कूल, ऑफिस, होटल, गार्डन, स्ट्रीट्स, मोटर गाड़ियां और घरों में भी रोशनी के लिए किया जाता है। पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि बल्ब का आखिरकार आविष्कार किसने किया है और इसे बनाने वाले वैज्ञानिक को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, और जब बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय का जीवन कैसा रहा होगा। वैसे हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज से पहले लोग रोशनी के लिए रातों में मशाल तथा तेल से जलने वाली बत्तियों का इस्तेमाल करते थे। ये बत्तियां ज्यादा समय तक उपयोगी नहीं होती थीं, अक्सर आंधी और तूफान के जरूरत के समय ये बुझ जाया करती थीं। 18वीं सदी तक मोमबत्ती और तेल से बनाए गए चिराग का आविष्कार हो चुका था और बहुत सी जगहों पर इसका इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था। दोस्तों, हम अपनी आने वाली किसी और वीडियो के जरिए भी ये बताएंगे कि तेल से जलने वाला चिराग यानी लालटेन का आविष्कार कैसे हुआ था, इसको बनाने का दिलचस्प इतिहास कैसा था और इसे बनाने में कितना वक्त लगा और मुश्किलें आईं। अगर आप ऐसी ही मजेदार और ऐतिहासिक खोज पर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस तरह के इन्वेंशंस पर वीडियो देखना चाहते हैं। मोमबत्ती और चिराग के आविष्कार के बाद करीब 19वीं सदी की शुरू में गैस से बनाए गए लैंप्स का प्रयोग किया जाने लगा था, पर ये भी बहुत ही उपयोगी साबित नहीं हुए थे। लेकिन बल्ब की खोज ने इन सारी परेशानियों को एक और करके मानव जीवन को रात में होने वाले भयानक अंधेरे से निकालकर हमेशा के लिए रोशनी की तरफ मोड़ दिया। परंतु क्या आपको मालूम है कि अंधेरे को दूर करने वाले इस महत्वपूर्ण उपकरण यानी कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था? अगर नहीं तो बता देते हैं। सन 1847 में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन को आधिकारिक तौर पर बल्ब का आविष्कारक माना जाता है। बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया है। बेशक थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया है, लेकिन जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता आया हूँ कि किसी भी महान आविष्कार में किसी एक व्यक्ति का योगदान बताना शायद गलत होगा, क्योंकि किसी भी महान खोज के पीछे कई वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की सालों की मेहनत होती है। ठीक उसी तरह बल्ब के आविष्कार में थॉमस एडिसन से पहले भी कई वैज्ञानिकों ने इस आविष्कार के लिए मेहनत की थी, जिसमें से कुछ को तो सफलता मिली पर कुछ को असफलता ही मिली। उनका आविष्कार जनता के लिए उपयोगी साबित न हो सका और उन सब के पहले किए गए बल्ब के आविष्कार को देखकर ही एडिसन ने मॉडर्न बल्ब का आविष्कार किया था। तो चलिए, इस वीडियो के जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि किन वैज्ञानिकों ने और इंजीनियर्स ने बल्ब के आविष्कार में अपना प्रमुख योगदान दिया था। प्रथम प्रयास। सन 1745 में जन्मे अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने पहली बार जिंक और कॉपर का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक बैटरी वोल्टिक पाइल को बनाया था, जो कि दुनिया की पहली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थी, जिसके दोनों तरफ एक कॉपर वायर से कनेक्ट किया गया था। ये कंटिन्यू इलेक्ट्रिक करंट का सबसे पहला नमूना था। अपने इस आविष्कार के बाद अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने पहली बार एक हाइड्रोजन लैंप बनाया, जिसके कांच के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी होती थी, जो कि किसी प्रकार के दबाव से नोजल से बाहर निकलती और फिर इलेक्ट्रोफोर्स का यूज करके चिंगारी पैदा करती, जो कि गैस को जला देती थी, और गैस के जलते ही एक किस्म का उजाला यानी कि प्रकाश होता था। पर यह तरीका कुछ कारगर साबित नहीं हुआ, इसलिए इन्हें इस आविष्कार के लिए कोई पेटेंट नहीं मिल सका और इसके हाइड्रोजन लैंप को पब्लिक के प्रयोग के लिए कभी बनाया ही नहीं गया। दूसरा प्रयास। अब इसके बाद अलग अलग तरीकों से साइंटिस्ट ने बल्ब को बनाना शुरू किया, लेकिन इन सभी में एक प्रॉब्लम ये था कि ये बहुत देर तक जल नहीं पाते थे। वोल्टा के आविष्कार के बाद इंग्लैंड के रहने वाले हम्फ्री डेवी के मन में सबसे पहले विद्युत के इस्तेमाल से रोशनी पैदा करने का विचार आया था, जिन्होंने साल 1802 में इलेक्ट्रिसिटी पर अलग अलग अध्ययन करके एक बैटरी का निर्माण किया था। फिर उन्होंने एक कार्बन रॉड्स को वायर के जरिए इस बैटरी से जोड़ दिया। कार्बन बैटरी से जुड़ते ही चलने लगा और इससे कुछ प्रकाश भी होने लगा। इनके इस आविष्कार को इलेक्ट्रिक आर्क लैंप का नाम दिया गया। इस आर्क लैंप से बहुत ज्यादा रोशनी आती थी, जिसे घर के लिए प्रैक्टिकल प्रयोग के लिए इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं था, और साथ ही ये बहुत ज्यादा ऊर्जा भी कंज्यूम करती थी, इसलिए इनके बनाए गए इस इलेक्ट्रिक आर्क लैंप को एक अधूरा आविष्कार ही माना गया। तीसरा प्रयास। 1840 तक ये पता चल गया था कि एक सफल बल्ब बनाने का सिद्धांत क्या है, पर ये नहीं पता चल सका था कि उसे बनाने के लिए कौन सी धातु सबसे ज्यादा कारगर और लाभदायक होगी। अब इसके बाद अलग अलग तरीकों से साइंटिस्ट ने बल्ब को बनाना शुरू किया, लेकिन इन सभी तरीकों में एक प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत देर तक जल नहीं पाते थे। मतलब बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए हाई रेजिस्टेंस वाला एक एलिमेंट चाहिए था। एलिमेंट जितना पतला होता था उसमें उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता था, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता था फिलामेंट उतना ज्यादा जलता और कम करंट का इस्तेमाल करता, अच्छी रोशनी पैदा करता था। और फिर ब्रिटिश साइंटिस्ट वॉरेन डी ला रुए ने प्लैटिनम फिलामेंट का इस्तेमाल करके बल्ब को बनाया था, लेकिन प्लैटिनम बहुत ही महंगा धातु था, जिसके कारण इसका इस्तेमाल पब्लिक के लिए कभी नहीं किया गया।
चौथा प्रयास 24 जुलाई 1874 को कनाडा के रहने वाले हेनरी वुडवर्ड और मैथ्यू एवंस ने कैनेडियन पेटेंट कार्यालय में एक सफल बल्ब बनाने का दावा किया और अपने इस आविष्कार के लिए पेटेंट की मांग की। पेटेंट कार्यालय ने उनके आविष्कार की अहमियत को देखते हुए उनके आविष्कार को उनके नाम पेटेंट दे दिया। उनका कैनेडियन पेटेंट नंबर था 3738। उन्होंने नाइट्रोजन गैस और अलग अलग साइज के कार्बन रॉड्स को इस्तेमाल करके बल्ब बनाया था। इन्होंने बड़े ग्लास ट्यूब में नाइट्रोजन गैस भरकर और दो कार्बन रॉड को वायर से कनेक्ट करके सफल बल्ब बनाया। ये बल्ब पिछले बने सभी बल्ब से काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन ये दोनों इस बल्ब का पेटेंट लेकर भी कोई खास कारोबार या नाम नहीं कमा सके। और फिर 1879 में इन दोनों ने इस आविष्कार के राइट्स को थॉमस एडिसन को बेच दिया। पांचवा प्रयास बल्ब को बनाने के लिए अगला प्रयास जो किया गया वो था कार्बन फिलामेंट और वैक्यूम की दिशा में, और ये प्रयास किया गया था इंग्लैंड के रहने वाले जोसेफ स्वान द्वारा। जोसेफ स्वान 1850 से ही बल्ब बनाने में अपना पूरा योगदान देने लगे थे, लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट वैक्यूम पर आधारित था और सन 1850 में अच्छे पंप की कमी और बिजली की अच्छी सप्लाई ना होने के कारण उनका ये प्रयोग उतना सफल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। मगर 1870 के बाद से अच्छे पंप्स मिलने लगे थे, जिसके बाद स्वान एक बार फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स की तरफ लौट आए और अपने प्रयोग को पूरा करने के लिए उन्होंने चार्ल्स स्टीन की मदद ली, जो कि वैक्यूम पंप्स के अच्छे जानकार थे, और उनकी सहायता से आविष्कार में उन्हें सहायता मिली। सन 1880 में स्वान ने कॉटन के धागे का इस्तेमाल करके बल्ब बनाया, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली और उन्हें उसका पेटेंट भी मिल गया। कई इतिहासकारों के मुताबिक जोसेफ स्वान ही दुनिया के वो पहले व्यक्ति थे जिनके घर में बल्ब द्वारा रोशनी पहुंची थी, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी सबसे पहले स्वान के घर ही पहुंची थी, और इस प्रकार से बिजली और बल्ब दोनों दुनिया में सबसे पहले जोसेफ स्वान के घर ही पहुंचे थे। छठा प्रयास जब बल्ब के आविष्कारक का नाम लिया जाता है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है थॉमस अल्वा एडिसन का। 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में जन्मे थॉमस एडिसन को ही बल्ब का असली आविष्कारक माना जाता है, क्योंकि लाइट बल्ब बनाए तो बहुत लोगों ने थे, लेकिन एडिसन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बल्ब के सही आविष्कार में अपना योगदान दिया था, और साथ ही उन्होंने उस बल्ब में समय समय पर कई सुधार भी किए थे। वो ही एकमात्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहला कमर्शियली प्रैक्टिकल बल्ब तैयार किया था। वहीं बाकी के पहले बनाए गए बल्ब के डिजाइन में कुछ न कुछ गलतियां थीं जिससे वो कभी सफल नहीं हो सके थे। एडिसन और उनकी टीम 1878 से 1880 के बीच 3000 से भी ज्यादा बल्ब डिजाइन बनाकर टेस्ट कर चुकी थी, क्योंकि वो बल्ब बहुत देर तक ऑन रखने के लिए हाई रेजिस्टेंस मटेरियल खोजना चाहते थे, इसलिए एडिसन अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल किया करते थे। कुछ महीनों के बाद 1879 में कार्बोनाइज्ड बम्बू फिलामेंट का इस्तेमाल करके उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जो कि लंबे समय तक ज्यादा रोशनी देने में सफल हुआ, और इसी साल एडिसन को अपने इस आविष्कार का पेटेंट भी मिल गया। एक समय में एडिसन ने स्वान के खिलाफ मुकदमा चलाया कि स्वान ने एडिसन का रिसर्च और आइडिया चुराया है। इसके जवाब में स्वान ने अपना पूरा रिसर्च खुद प्रैक्टिकली साबित कर दिया, और इसके बाद जोसेफ स्वान और थॉमस एडिसन दोनों ने मिलकर काम करने की योजना बनाई, और फिर दोनों ने मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम एडिसन एंड स्वान इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी रखा गया। और हम आपको बता दें, आज के समय में इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट प्रयोग किया जाता है वो टंगस्टन का बना होता है, जो कि सन 1904 से हंगरी में प्रयोग होना शुरू किया गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर यूं ही बने रहें। देखने के लिए शुक्रिया।